Oh my God. पीछे लिया सब भाई बाद में ये देखो ये बिल्डिंग से कुछ छलावा टाइप खुले में आया कि एक चीज़ है वो उधर लोगों ने नमाज के टाइम ना तारों पे लटकी देखी है। उसका मुंह इतना बड़ा उसका मुंह था तब गुरुद्वारा गई है उसी जगह पे है कैमरा पकड़ो अंदर से व्यू लेते हैं जी। ये भाजी ये जगह मेरी सी ते मैं किराए ते दीती सी साइयां नूं ते ओ इत्थे आके काला जादू करदे सी हड्डियां वगैरह साड़दे सी 2 महीने तो मैं उन्हां तों तंग सी ते बाला मेरिआं ने मैनूं दस्सिआ कि अबू इत्थे जिहड़े ना ए ड्रामे ते देखणे आ इन्हां नूं सद्दो ते इस लई तुहानूं सद्दिआ ते ओ जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे असरात इत्थे है सी 2 महीने तो तंग भी करदियां सी इह गल है ते तुहानूं इस लई बुलाया सी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ अशवास भाई और कैमरे पे आसन भाई। तो जैसे कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करके अपनी कीमती राह से आगाह करते हैं तो आप सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीकेंड के जो एपिसोड्स थे आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार अपना दिया, आपने शेयर किया, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी तो और हम आपके लिए ऐसे बेहद बेहतरीन शो लेके आते रहा करेंगे। तो आज हम एक ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं जहां पर जो कि क्रिश्चियंस बरादरी के जो ईसाई बरादरी के लोग हैं उन्होंने इस घर को जो है रेंट पर लिया। उस रेंट पर लेने के बाद उन्होंने एक नॉर्मल फैमिली की तरह अपना बिहेव रखा इस घर के मालिक के सामने। उन्होंने ये बताया कि हम एक नॉर्मल फैमिली हैं और यहाँ पे हमने रहना है। तो उनके बकौल जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमें ये बताया कि वो रात के वक्त इस जगह पर लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ होता था और सारे के सारे वो क्रिश्चियन होते थे। तो कुछ लोग यहाँ पर आते थे तो जो इस जगह के मालिक हैं उनका साथ ही बाग है अमरूदों का और जो है और भी थोड़ी सी चीज़ें उनका बाग था। तो वो रात के टाइम नोट करते थे काफ़ी ज़्यादा ना लोग इनके घर आते थे तो
उन्होंने पूछा कि रोज़ आपके घर लोग किस वजह से आते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं ब्ला ब्ला, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहाने बना के ये चीज़ें बयान करते रहे। तो कुछ अरसा ये ऐसा होता रहा, तो आखिरकार उनको जो इस घर के ओरिजिनल मालिक हैं उनको ये सुनने में आया कि इस जगह पर काला जादू होता है और रात के वक्त यहाँ पर आगों का जो आग होती है वो शोले नज़र आते हैं, इस जगह पर अपने आप आग लग जाती है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई और चीज़ हो, ये इस जगह पर जो है इस जगह के मालिक हैं उनने हमें बताया और वो हमारा शो देखते थे और उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। तो यहाँ हम आए हैं तकरीबन हमें पौना घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए। तो हमारे साथ दो इंसिडेंट हो गए, एक तो कैमरे का जो लेंस है ये एक जगह पे अटक गया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये चल नहीं रहा। दूसरा ये माइक मुझे जो लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं ये शबाद भाई का, और जो मेरा माइक है वो भी टूट गया। आते साथ ही दो इंसिडेंट हुए, दो चीज़ें हमारी टूट गई हैं और सुनने में है कि जगह ये मनहूस है, भारी है, तो इस जगह से अवॉइड करें, आप इस जगह पर ना जाएँ, उन्होंने हमें कहा। तो हम आपके सामने काम ही ये करते हैं, तो हमें इस जगह पर आना था। व्हाट्सएप पर हमने इस जगह की वीडियो देखी, उनकी वॉइस सुनी और इस जगह पर हम मौजूद हैं। तो आते साथ ही हमारे साथ दो हादसात हो चुके हैं। अब मज़ीद आगे सुनने में ये आया कि आपको आग लग जाएगी, आपकी चीज़ों को आग लग जाएगी, ये भी सुनने में आया। लेकिन जो हमारी फील्ड है वो इसके मुताबिक ही है, तो हमें आपकी दुआएं चाहिए होंगी, जैसे आप मज़ीद करते हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और शबाज भाई को भी यही सुनने में आया था कि वो कोई पादरी थे, वो क्या करते थे यहाँ पर? सर जिसका घर है ना उसने ये बात भी बोली है कि मुझे नहीं पता था कि ये दो लंबे तरीके से काम कर रहे हैं जी, काला कर रहे हैं। अच्छा वो खोपड़ियों के बारे में बताया गया कि अभी आपको हम आपको दिखाएंगे जगह, हम आपको गाइस दिखाएंगे। उन्होंने एक जगह बैठने के लिए बनाई थी और साइडों पे दरख्त है जो अपने हाथ से उन्होंने लगवाए थे, तो दरख्तों के ऊपर ही वो खोपड़ियां हड्डियां जो उनके जो काम करने वाली चीजें थी सामान थी वो लटका होता था। अजीबोगरीब जानवर थे जैसे गधा, बैल, ये वो उल्लू के चोंच, ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं और तकरीबन 1.5 महीना हो गया यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 1.5 महीने से ये जगह खाली है। कुछ जो है जानवर वगैरह यहाँ पर रखने की कोशिश की गई, आग लग जाती थी। ये देखिए ये यहाँ पर भी आग लगी हुई है, यहाँ पर आप जो सामान रखोगे उसको आग लग जाएगी। हमने कोशिश की कि हम जितना भी अपना सामान है वो हमने बाहर रखा हुआ है, और कैमरा है, मैं हूँ और शबाज भाई हैं, हम तीनों हैं। तो देखते हैं कि वो आग के शोले क्या हैं और जो हैपनिंग यहाँ पर हमने सुनी वो होती हैं कि नहीं। तो असन भाई पीछे कुछ कमरे हैं, पहले उनकी तरफ चलें। वो आपके सामने रिंग रोड है, इधर से होगा ये सामने गाइस आपको रिंग रोड नजर आ रहा है लाहौर का, और ये वो घर थे जहाँ पे ये चीजें हुई हैं, और इस जगह को प्रॉपर तौर पर बंद किया गया कि कोई भी यहाँ पे आ ना सके और कोई मसला ना हो जाए यहाँ पे। हालत देखो यार क्या करती है, कमरे की हालत गाइस देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे कोई रहता हो या रहता था कोई, हालत इतनी खौफनाक है कमरे की। यार ये दो ही कमरे बताए थे इन्होंने, ये पीछे भी है जहाँ से हम आए हैं ना, ये भी है, ये पूरा इनका एरिया था जो इस जगह पर वो रहते थे, ये सारी जगह उनकी है। अच्छा कोई मौजूद है यहाँ पर?
ये ले रिकॉर्ड हुआ कोई है यहाँ पे वही फिर हिल रहा है यहाँ पे वही फिर हिल रहा हाँ जी यहाँ गए थे जो भी बैठते थे जो अपना काम करते थे ना उन्होंने जानवर तक नहीं छोड़े खोपड़ी इस्तेमाल करते थे उनके और वो कह रहे हैं अभी भी पड़ी हुई है वो अभी भी पड़ी है कुछ लोगों ने ये भी बताया और खुद मालिक ये बता रहा था कि हड्डियों के साथ वो खेलते थे उनका जो काम था ना वो उल्टा पुलटा था हमारी समय से बाहर था हमने उनको निकाल दिया बाहर पता नहीं बाप को आज ऑडियो का भी मसला आ रहा होगा तो माइक हमारे ख़राब हो गए हैं लेंस भी ये काम करना ख़राब कर दिया इसने तो ये आते साथ ही दो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं अब उसके बाद क्या बात कौन है असन भाई इधर चारों तरफ लाइट मारना आपके पीछे नज़र नहीं आ रहा मुझे देखें कोई भी चीज़ अगर है तो हम आपको तंग नहीं करने आए सिर्फ आपसे बातचीत करने आए आपसे बात करने आए हैं तो हमें नुकसान ना पहुंचाइएगा सामने आ सकते हैं तो आएँ जैसे ही आते साथ आज तक नहीं हुआ हमारे दो नुकसान हुए इत्तेफाक नहीं है एक हो जाता शायद इत्तेफाक था लेकिन दो हो गए और मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं चीज़ों का असर है और अभी इस कमरे में भी ये हिला तो खोपड़ियाँ भी हैं यहाँ पर अब देखते हैं कि ये क्या मामला था इस जगह से जुड़े हुए चलाएं फिर इस कमरे में भी आ जाएं ज़रा आवाज़ आई है यार चलाएं फिर इस कमरे में भी आ जाएं ज़रा आवाज़ आई है यार इस घर के चारों तरफ बौंदे जो दीवार की जो अभी नहीं है आपको नजर आ रही कौन है यार ये कहाँ से गिरा शुभाष को जरा खोल अंदर कोई है इसके बंद किया गया है सर भाई और ये पकड़े इसकी की नहीं है हमारे पास ये कोई चीज गिरी है इधर से भाई चाबी नहीं लग रही इसको नहीं लग रही इधर कहीं अंदर लाइट का आवाज आवाज इधर दे लाइट कौन है कोई है यहाँ पर कौन है यहाँ पे
ओपन सारा किया हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ काफी पुराना, वो नहीं खुल रहा ना अंदर, और कोई तरीका भी नहीं है जाने का ना। फिर आगे अंदर चलते हैं उस तरह। देख लेते हैं ये क्या हो गया। दरवाजे से ही आवाज आई है। कौन है अंदर? आवाज आ रही है। इसके कोई अंदर है कोई ऐसा? ये आवाज जैसे पतरस पतरस नहीं कह रहा। ये आवाज जैसे पतरस पतरस नहीं कह रहा। अंदर से जाके देखें से इस कमरे का को कोई और रास्ता नहीं लगता। पता नहीं शायद अंदर की तरफ हो। साइड पे आओ। वो ये पीछे देखो ये लाना गिरा यार ऊपर की। तो ये तो था ही नहीं यार इधर। ये कैसे गिर गया इधर? है शबाज? हाँ। ये कैसे गिरा? क्या ये तो इसका है ही नहीं यार। इसके पत्ते देखो, इसके पत्ते देखो। ये वो सामने से तो नहीं आया? लगता था ठीक। यार मुझे ऐसे नहीं लग रहा कमरे में आग लगी है। यार गाइस वो आबादी बहुत दूर है, वो उस तरफ जहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना उस जगह पर आबादी है, और ये रिंग रोड जा रहा है, हम बहुत दूर है आबादी से। आवाज़ें आ रही हैं अजीबो गरीब सी। नहीं समझ लग रही अंदर जाना ना कैसे जाना। अंदर एक कपड़ा है जो पादरियों के पास होता है वो है। वो है अंदर उस तरफ। चलो जरा यहाँ पे। हाँ जी हिल रहा है। ऊपर 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 कौन है ऊपर बैठा?
साइड से आओ। यार कौन है अंदर? ये दिखाओ बाल हैं ये। ये रूईटा है बा। यार शबाद ये हिल रहा है देख। बंद कर देते हैं शायद कोई चीज ना आए अंदर। हाँ यार खुद ब खुद हो गया। ओ माय गॉड वेर गॉड यार ये क्या हो रहा है? कौन है ये वहां पे थी यार? यार क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वो जगह है जहाँ पे वो पूरी फैमिली बैठती थी और लोगों को बेवकूफ बनाती थी। और आपको एक और बात बता दें, आप अभी तक जो जितनी हमारे साथ हैपनिंग हुई है ना वो यहाँ पे बैठने की लोगों की वजह से हुई है। ये वही जगह है। ओए वजह से हुई है। ये वही जगह है। ओए ओए किसी की खोपड़ी है यार। ओए जानवर की है। जानवर की है किसी की। पूरी खोपड़ी है यार ये तो। दिखाओ यार। ये क्या हो रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज सुन ये।
कौन है यहाँ पर? पीछे ना देखना यार। ओए आवाजें सुन रहे हो? ओए ये आवाज सुन रहे हो यार? पूरी पूरी खोपड़ी है सर भाई किसी जानवर की यार। ये यार हसन भाई ये देख उनके इस्तेमाल में थी ये चीज। हाँ यार इधर आए हसन भाई। पता नहीं क्या पढ़ाई दिखाए जरा पता नहीं क्या। कोई मौजूद है यहाँ पे यार? अभी तक वो आग के शोले नहीं नजर आ रहे। यार यहाँ पे किलोमीटर चलने लग गया। कौन है यहाँ पे? मैं वही देख रहा हूँ यार। हसन भाई ये लाइट नीचे करना, ये रेत सी पड़ी और उसके ऊपर कोई चीज बनी है। यार ये देखिए कोई निशान बना हुआ। वो स्मेल कितनी गंदी आ रही है यार। यार कितनी गंदी स्मेल आ रही है, काला जादू ये ही है तो पूरा काला जादू। माय गॉड यार शबास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट इधर दिखाएं, ये अपने आप आग लगी है। ओह यार यहाँ से दूर हो, यहाँ से बदबू बड़ी आ रही है यार। ना छेड़ से बाहर इसे। वो क्या होगा टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।
वन टाइप वो क्या होगा फैमिली।